अभी आप लोगों को मैं एक जलवा दिखाता हूँ, ठीक है। मैं जो है ना उमर को बोला हमारे बेटे साहब को कि वो सो जाए, और वो जो है ना यहाँ पर क्या कर रहे हैं चलिए देखते हैं। अभी ओहो देखिए आजकल के बच्चे कैसे हैं। और ये बच्चा जो है ना सो जाओ जल्दी उठना है, एक तो स्कूल्स नहीं है और बच्चे जो है ना ऐसे टाइम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। सामने के दांत के साथ साथ पूरे दांत भी निकल जाएंगे तुम्हारे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू शफी समी फिटनेस। आज के व्लॉग में हम करेंगे शोल्डर मसल साइड डेल्ट। जी हाँ, तो साइड डेल्ट में हम करेंगे पहले फ्रंट डेल्ट, फिर साइड डेल्ट, फिर रियर डेल्ट। तो हम करेंगे ये तीन मसल की ट्रेनिंग। तो आप लोग भी बने रहिए और देखते रहिए हमारी वर्कआउट। चले भी आज जो है सुना सुना सा जिम है, क्योंकि आज हमारे जान के टुकड़े टुकड़े नहीं है हमारे साथ, और आज हम जो है बिल्कुल अकेले अकेले हैं यहाँ पर। अकेले नहीं, हमारे साथ है हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड, हमारे भाई काशी जी। तो वो कहीं गए हैं अंदर, वॉशरूम में होंगे शायद, ज़रूर मिलाते हैं आपसे। रुकिए ज़रा, मैं जिसकी बात कर रहा था वो ये रहे। हाँ, ये है काशी विश्वनाथ कट्टा जी। तो अभी हम करेंगे वर्कआउट, चलो भाई साहब। जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों को, आज हम करेंगे शोल्डर की ट्रेनिंग, शोल्डर की वर्कआउट। सो स्टार्ट विथ वार्म अप स्ट्रेचेस, और उसके बाद से तो हमारे काशी जी भी वर्कआउट स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा रॉन्ग कर रहे हैं। मैं जाकर इनका पोस्टर सीधे करता हूं, तो रुकिए फिर। लास्ट टाइम के व्लॉग में मैंने कहा था आपसे कि मैं ड्यूरिंग वर्कआउट में सिर्फ पानी पीता हूं, क्योंकि उस टाइम पे पानी मेरे पास ख़त्म हो गया था तो नहीं बता पाया। और पानी किस तरह से पीते हैं वो ज़रूर गौर व फिक्र करके देखिए आप लोग। तो पानी पीने का तरीका है, हम सुकून से इत्मीनान से बैठ जाए, बैठकर आराम से जो है ना इस तरह से पीजिए। ये सही तरीका है पानी पीने का। अगर हम डायरेक्ट अगर बॉटल को डायरेक्ट अगर पीते जाएंगे तो पानी जो है ना डायरेक्ट हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा, शरीर के अंदर। बॉडी के अंदर जाने से पहले हमारे मौत के अंदर पानी जाना चाहिए अच्छी तरीके से, उसके बाद फिर पानी हमारी बॉडी में जाएगा। जितना आराम से पिएंगे और इसको डिवाइड करते हुए पीजिए, फर्स्ट सिप, सेकेंड सिप, थर्ड सिप, तो आपकी बॉडी में बहुत अच्छी तरह से डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा और आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी ऑफ कोर्स। सो ज़रूर ख्याल रखिए इस चीज़ का। फर्स्ट वेरिएशन हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसको कहते हैं डंबल साइड लेटर्स, ठीक है। अभी हम करेंगे सीटेड डंबल प्रेस बोर्ड एट अ टाइम, और एवरी सेट 15 रेप्स 4 सेट्स। तो ख्याल रखिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपको वेट लिफ्टिंग करना पड़ेगा, हैवी वेट्स। और आप बॉडी बिल्डिंग अगर करते हैं तो बॉडी बिल्डिंग के लिए हैवी वेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं 90 केजी प्लस का एथलीट हूं और मैं बिल्कुल मैक्सिमम डंबल लिफ्ट करता हूँ 20 केजी। तो आप लोग भी ख्याल रखिए। और मैंने बाइसेप के ऊपर जो है लास्ट 20 केजी किया हूँ, और 21 इंचेस मेरे बाइसेप से। तो आप लोग भी कर सकते हैं, ख्याल रखिए। इंजरी से बचने का ये तरीका है आसान। टेक केयर। सेकेंड वेरिएशन हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम बढ़ते हैं थर्ड वेरिएशन की तरफ। थर्ड वेरिएशन में हम ट्रेन करेंगे फ्रंट डेल्ट को। किस तरह से करते हैं ज़रूर देखिएगा।
तो गाइस, पानी पीने का तरीका आप लोगों ने देख लिया कैसा पीना चाहिए हमें, और खाने का तरीका ये है कि हम खाने को ज़्यादा च्युइंग ना करें। ज़्यादा च्युइंग करेंगे तो हमें ज़्यादा कैलोरीज मिलेगी, तो ज़्यादा च्युइंग मत करिए, थोड़ा सा च्युइंग करिए और फिर अंदर ले लेने का। सो गाइस, थर्ड वेरिएशन हमने कंप्लीट कर लिया है फ्रंट डेड के लिए। अभी हम करेंगे रियर डेड, और रियर डेड बताने से पहले काफ़ी लोगों ने कहा था कि हमको स्टमक अंदर करना है। आप लोग जब भी मॉर्निंग उठते हैं एम्प्टी स्टमक फ्रेश होने के बाद, आप लोग जो है ना प्लैंक्स किया करिए घर पर एम्प्टी स्टमक, याद रखिए। और परफेक्ट पोस्चर कैसा होता है देखिए, आपको ऐसे बैठना है और यहाँ पर ऐसे होल्ड करना है, दो हाथ भी ऐसे, ठीक है, लेग शुड बी स्ट्रेट। अभी ठीक है, अपोजिट ऐसे ही, ठीक है। और ये वाला डिफिकल्ट आपको पोस्चर लग रहा है तो हम इजी पोस्चर कर सकते हैं। इजी पोस्चर कैसे, आपके दोनों लेग्स को ऐसे फोल्ड करके दो हाथ ऐसे रखना है, आपको ऐसे रखकर स्टमक आपको इन करना है, इसको कहते हैं वैक्यूम, ठीक है। 5 सेकेंड 8 सेकेंड 10 सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे करने से जो है ना हमारा स्टमक अंदर चला जाएगा और कोर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो ख्याल रखिए, पहले बिगेनिंग करिए, जो बिगेनिंग का बताया हमने सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला बहुत एडवांस वाला है, तो ख्याल रखिए। थर्ड वेरिएशन हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी हम करेंगे फोर्थ वेरिएशन जो कि रियर डेड के लिए है। तो परफेक्ट पोस्चर देखिएगा और एज इट इज ऐसे ही करिए। सो गाइस, फोर वेरिएशन हमने शोल्डर के कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी तरह से सेम पोस्चर से आप लोग भी अगर करेंगे तो आपकी बॉडी भी हो जाएगी ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से। तो ख्याल रखिएगा और फिर मेहनत करते रहिए। सो गाइस, हमारे भाई साहब ने लिया है एक हमारे लिए तोहफा, वो ये रहा। जी हाँ, रॉयल इनफील्ड, यहाँ पर तो कलेक्शन ही कलेक्शन है रॉयल इनफील्ड का, और दूसरी कंपनी की भी है। तो फिलहाल हम लोगों ने ये लिया है तो इसकी राइड तो बनती है। सो गाड़ी के साथ साथ हमारे भाई ने हमें दिया है ये सूट गिफ्ट, और ये है फास्ट ट्रैक का ग्लास, और ये भी बहुत ही बढ़िया है कंपनी का। और सारे चीज़ें जो है ना हमारे भाई साहब ने दिए है हमें गिफ्ट, थैंक यू सो मच। ये भाई साहब है हमारे, और ये भाई साहब जो है ना दुबई की पार्टी है। हाँ, आप लोगों को भी अगर कुछ चाहिए तो इनसे मंगवा लीजिएगा। बाइक की जो है ना राइड नहीं ले पाए हम, क्योंकि यहाँ पर हो रही है बारिश हल्की हल्की सी, अगर हम थोड़ा भी अगर रिक्स ले लें तो हम भीग जाएंगे। उस वजह से हम जो है ना कार में निकल गए हैं, तो आप लोगों को लेके चलते हैं वहीं पर हम जहाँ जाते हैं। है और बहुत सारे ऑडी है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं इन कार में से कौन सी कार मुझे सूट होगी, मुझ पर जचेगी, तो ज़रूर बताना। बहुत ही ब्यूटीफुल है, और वहाँ पर हमारे दोस्त लोग जो है ना हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। सो गाइस, फाइनली हमारा खाना आ गया है, और हम जो है ना स्पून से नहीं खाएंगे, हम खाएंगे बिल्कुल देसी स्टाइल से, दबा के ऐसा मिक्स करके दबा गप। दे चल रहा, देखिए अभी ख़त्म हुई, एक और एक आगे नली बिरयानी, और हम ख़त्म कर दिए हैं। अभी हम आ गए हैं कॉफ़ी पर, और हमारे पार्टनर भी कॉफ़ी की सिप मार रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं दो दिन से व्लॉग्स नहीं बना पाया, क्योंकि यहाँ पर जोरों शोरों से बारिश हो रही थी। तो फाइनली आज मैंने व्लॉग बनाया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, तो आप लोग देखिएगा और इन्जॉय करिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा आउटफिट आप लोगों को कैसा लगा, थैंक यू। तो गाइज, आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। व्लॉग ख़त्म करने से पहले ये भाई लोगों से बात कर लीजिए, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। हाँ, तो स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग।